press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. हमारे साथ है द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ मर्द को दर्द नहीं होता, राधिका मदान, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मर्द को दर्द होता है रियल लाइफ में? ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो फिर ऐसा उनको क्यों बताया जाता है बचपन से कि मर्द को दर्द नहीं होता है? आई थिंक ये हमारी ना पता नहीं एक गलत ही कंडीशनिंग की गई है, जहाँ पर सारे लड़कों को ये बोला जाता है कि नहीं हो सकता है, तुम नहीं दिखा सकते हो पेन। And that is really sad because vulnerability and showing your weakness is, according to me, such a strength. And it is just so beautiful. So please, jitne bhi ladke log jo dekh rahe hain interview, please show your vulnerability. Please show your weakness. I think it's beautiful and it brings you closer to the other person as well. Right. So, kaise mila? कैसे हुआ मर्द को दर्द? मर्द को दर्द, ओके। सो आई हैड एक्चुअली गॉन टू द कास्टिंग कंपनी मुकेश शावराज ऑफिस टू ऑडिशन फॉर लैला मजनू। ओके। आई वांटेड टू बी लैला, मैं चाहती थी मेरे बाल उड़े एंड पत्ते गिरे एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे तो आप उड़ रही हैं, यहाँ पे तो मैं उड़ रही हूँ। ये अलग ड्रीम्स होते हैं ना, तुम सोचते हो तुम्हारा उड़ के डेब्यू होगा ऐसे, ये हम लिटरली उड़ के हो रहे हैं। अच्छा। सो वहाँ पे उन्होंने मुझे स्मगल कर लिया एंड वासन सर से मिलवा दिया, एंड इससे पहले मैं कुछ कर पाती लैला मजनू के इम्तियाज़ सर से मिल पाती। वासन सर ने मुकेश सर को पता नहीं क्या बोला, ही जस्ट स्मगल्ड मी आउट ऑफ लैला मजनू एंड आई हैड टू डू दिस फिल्म। ओके। तो ऑडिशन किया था, किक करके दिखाई थी वो भी, क्योंकि आती कुछ थी नहीं, डांसर रह चुकी हूँ तो फ्लेक्सिबल थी, तो बस एक बहुत ही गंदी किक करी थी, बस ऊपर चली गई थी टांग। बट आई थिंक इट वॉजन दैट, इट वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन। आई जस्ट वेंट एंड वेंट टू मीट वासन सर एंड उनके सामने मैंने बस अपना इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने मेरा कोई इंट्रोडक्शन देखा था और उन्होंने बस बोला मुझे देख के कि आप सुप्रिय हैं। मैंने बोला मुझे नहीं बनना है, मुझे लैला बनना है, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया है। ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल के हुआ। स्क्रिप्ट पढ़ी थी आपने या उसके? जी, उससे पहले जी, उस टाइम पे क्या होता है कि बिकॉज वेयर वी डोंट हैव द लग्जरी टू रीड एंड चूज द स्क्रिप्ट, हमारे पास ऐसा होता है कि अच्छा ये ऑफर हो रही है तो कर लो, फिर स्क्रिप्ट मिलती है। बट आई व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, मैंने उनको बस यही बोला कि सर मैं करूंगी कैसे, आपने बना तो बहुत लिख तो बहुत अच्छी दी है पर मैं कैसे करूंगी। एंड उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि कर लेंगे, पता नहीं, आई थिंक ही बिलीव्ड इन मी मोर देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, एंड दैट इज व्हाई यू नो आई वाज एबल टू डू व्हाटएवर द लिटिल आई कुड डू इन द फिल्म। This is totally a different avatar of you doing this. मतलब आपके fans would be like कि कहाँ राधिका मदन को क्या देख रहे थे, तो ये तो अलग ही है। जी हाँ, वो शौक मिलते रहना चाहिए। पहले उन्होंने साड़ियों में देखा, तो वहाँ से वो उन्होंने गोबर में देखा, फिर गोबर से अभी कार की बोनेट पे स्लाइड करते हुए देखा। I think entry कमाल की ट्रेलर में, I have seen that, I'm like wow, okay, here she comes. Thank you so much. It's all Vasan sir. And I would want to do that. मैं audience को बस entertain करते रहना चाहती हूँ, अलग अलग अपने थोड़े अवतार दिखाना चाहती हूँ एंड बस entertain करना चाहती हूँ यार। Action sequences खुद के आप पे? जी हाँ, everything, no body double, no wiring, nothing. In fact, एक incident मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर एक body double थी on set for everybody, तो मेरी जो body double थी उनको punches लेने थे सिर्फ। Okay. And मैंने अपना एक्शन किया एंड आई वेंट बिहाइंड द कैमरा एंड आई सॉ हर टेकिंग द पंचेस एंड आई टोल्ड वासन सर दिस इज रॉन्ग, ये गलत टेक्निक है, इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ओके। एंड मैंने बोला यू टेल हर टू स्टेप अवे, आई विल गो एंड डू इट। एंड वासन सर ने बोला कि आर यू श्योर? मैंने बोला सर स्टॉप वेस्टिंग टाइम, लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स जस्ट डू इट। एंड आई वेंट एंड आई टुक द इम्पैक्ट punches or whatever the sticks and everything whatever was there. Okay. So jitna bhi aap movie mein dekhenge for everybody whoever is doing the action sequence, sabne impact khud liya hai, sabne khud apne action kiya hai, kuch nahi tha, koi springboards nahi the, koi wires nahi thi, kuch bhi nahi tha. So and I think that is why you know it is something jo hum bolte literally bolte hain ki we've given our blood and sweat to it.
Okay, so like literally. तो action scenes के लिए classes हुई, workshops हुए होंगे? Definitely, जैसे मैंने बताया मुझे action में बिल्कुल interest नहीं था, so मुझे double मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हम क्योंकि अभिमन्यु का फिर भी ये था कि वो at least he had grown up watching action films. I had not done that. मैं सिर्फ कुछ कुछ होता है और डीडीएल जी देख के बड़ी हुई हूँ. बनना भी लैला था. लैला ही बनना था. कश्मीर में शूट कर रही थी तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे करती. तो रोज होती थी 4-5 घंटे की तो ट्रेनिंग होती थी. प्लस मैं रोज एक एक्शन फिल्म देखती थी. मेरे पास एक लिस्ट थी जो वासन सर से आई थी एंड मेरे ट्रेनर से आई थी जो मैं देखती थी. एंड 20 मिनट तक देखती थी फिर ब्रेक लेना पड़ता था. फिर 20 मिनट देखती थी फिर ब्रेक लेती थी. But after a while, of course, I started enjoying it, started loving it, and then I could relate to Vasan sir's talks and क्या वो बोलना चाह रहे हैं. कि ये लोग starting में जब बात करते तो मैं सर के ऊपर से जाती थी. कौन सी movie का reference दे दिया क्या है. फिर उसके बाद मैं बोलती थी सर ये उस movie का है ना. सर बोलते थे हाँ finally. तो of course 9 months की हमारी training हुई थी जिसमें weapon training हुई थी. जिट कुंडो सीखा था मैं, mixed martial arts and a lot of things and injuries हुई काफ़ी. knee injury हुई, ankle, wrist. तो जब knee injured था तो punches करते थे, जब wrist injured हुई तो kicks करते थे. दोनों injured था तो core करते थे. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि break मिल रही है. काफ़ी difficult रहा है. जी बहुत difficult रहा है but बहुत मज़ा आया. तो कास्ट के बारे में पता था आपको कि गुलशन जी हैं उधर देन अभिमन्यु हैं? जी मुझे गुलशन केम ऑन बोर्ड मच लेटर. ओके. मच लेटर. पहले इट वाज अभिमन्यु बट आई डिडंट नो दैट हुज सन ही इज. ओके. फॉर गुड 4 months आई हैड नो आइडिया. ओके. शूटिंग करने के बाद? नहीं शूटिंग करने के बाद, साइन करने के बाद. अच्छा. नहीं पता था कि बस मिली थी तो मैंने बोला हाँ एक शॉर्ट्स में टोपी में एक प्यारा सा बच्चा ऐसे टाइप था. मैंने बोला सर ये हीरो है अपना फिल्म का. मैंने बोला हाँ. मैंने बोला इतना क्यूट सा इतना स्वीट सा और आप एक्शन फिल्म बना रहे हो कैसे. बट ऑटो में ट्रैवल करता था. मैं गाड़ी में होती तो मैं बोलती थी भाई मैं छोड़ देती हूँ तुमको. बट तो फॉर 4 months आई डिडंट गेट टू नो टिल द टाइम कि उसके घर पे ट्रेनिंग हुई रीडिंग हुई एंड मैं गई एंड रीडिंग भी पूरी खत्म हो गई एंड बाद में मैं जाके देखती हूँ फोटो पड़ी रही एक भाग्यश्री मैम की. मैंने बोला मनी ये क्या है. शी इज माई मॉम. तब मुझे लगा कि ओह शिट भाग्यश्री मैम का बेटा है. ओके. सो दैट वाज द थिंग एंड देन आई गॉट टू नो कि इट इज अभिमन्यु एंड आई एम डेब्यूइंग विद अ स्टार किड अपेरेंटली हु इज नॉट एट ऑल अ स्टार किड. मतलब इन लाइक विद हिज बिहेवियर एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट टेल ही इज अ स्टार किड. ही इज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, so hardworking. I'm just thinking like काफी ऐसा ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करना एंड देन लाइक सीरियसली आई नो वेरी हम्बल. तो आप लोग फिर बैठ के लाइक एक्शन बिफोर यू आर सपोज यू हैव टू गो एंड डू अ बिग सीन एक्शन सीन सो यू फर्स्ट यू यूज टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस इट देन ठीक है कि अभी एक टाइम पे कर लेते हैं बिफोर वी गिव इट द शॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एक्चुअली द सीन्स वर ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड. सो हमारी कोरियोग्राफर के साथ जो एरिक एंड डेनिस आए थे एलए से उनके साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी थी. सो वी न्यू द कोरियोग्राफी कि क्या है एंड ऑफ कोर्स उससे पहले हम रिविजन कर लेते थे कि अच्छा यहाँ से आना है क्योंकि लोकेशन पे जाके डिफरेंट होता है. तो लोकेशन पे हमारी एक दिन पहले रिहर्सल होती थी या 2 दिन पहले रिहर्सल होती थी. हम 2 दिन लोकेशन पे रिहर्स करते थे सो दैट वी नो कि कौन सी स्पेस पे हम रिहर्स कर रहे हैं, कितना हमारे पास गैप है, इधर कोई दीवार तो नहीं आ रही या कोई प्रॉप तो नहीं रखा हुआ एंड कितना हम बेसिकली जस्ट फीलिंग द स्पेस एंड डूइंग द कोरियोग्राफी देयर. सो जब हम शूट के दिन जाते थे तब वी यूज्ड टू बी वेरी क्लियर एंड वी डिडंट यूज टू वेस्ट टाइम उस टाइम पे कि पता नहीं है कि कहाँ आ गए हैं. सो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. दैट मेड इट ईजियर एंड दैट हेल्प्ड अस नॉट गेट इंजर्ड. Okay. Because we were very conscious and all the credit goes to the action team, Prateek, Eric, Dennis, all the credit goes to them. उन्होंने बहुत safety का ध्यान रखा. We were so rehearsed and of course गलती से जो लग जाए वो लग जाए but we were very conscious. Right.
So this was going to be your debut film, na? Yes, yes. This was my debut film. This I right. shot for this film before. So, but abhi, so aisa lagta hai ki yaar pehle ye mere, I wanted ki first this should have released. No, then no, later. Not at all. I love Pataka. Pataka. I'm so glad I debuted with Pataka. It is a film which is very close to my heart. It will always be. I had a blast shooting with Vishal sir and Sanya. Sanya. It was a dream debut. Hmm. So I love this film as well. This is very special because I shot this film. This is my first film. But so dono sahi hai yaar. Usme introducing aa gaya, isme reintroducing aa gaya. That is good then. No, I know that is good. If we talk about Pataka, see, we know it didn't live up to the expectations. Yes. So does it like see ki like this is a good film, it has a good character, it has a good script. Phir bhi like why it didn't work? Yeah, it didn't work well at the box office. Right. But you know, the appreciation that I got for it, it was so insane, yeah. Because jin logon ka mujhe calls aaye uske baad jin logon se main mili hu industry mein itne diggaj log hain, if they are saying ki my performance was nice, to mujhe lagta hai ki yaar kuch sahi ho gaya hoga. But of course you want the audience to watch it, right? You know, wo cheez bahut important hoti hai. But the only issue is that we didn't have the time to be at the theaters because some other film was coming up and we didn't get the screens. Okay. So when it came to Amazon, the response that we got was different. Amazon Prime ke baad ki, tab mujhe laga ki arey meri movie ab release hui hai kya? It is just ki because a very big film was coming after our film, we didn't get the screens. Okay. That is the reason that people didn't get to see it. But whoever has seen it and jitna bhi mujhe response aaya jinhone dekhi hai unse, that was really good and that is why you know I feel ki chal हमने मेहनत करी, जिन्होंने देखनी थी उन्होंने देखी और आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो Amazon Prime पे प्लीज देखिए. तो मस्ती कितनी होती थी सेट्स पे? बिल्कुल नहीं. Everybody was very focused. Okay. Everybody was in the character and scenes के बाद behind the cameras everybody used to be so tired. Yeah. एक्शन आप पूरा दिन करते हैं, जब 12 घंटे 14 घंटे एक्शन करके जाते हैं आपको सिर्फ घर जाके सोना होता है. एवरीबडी वॉज वेरी कॉर्डियल ऑन सेट. गुलशन बहुत मस्ती करते थे मेरे साथ. ओ गॉड, काजल बोल के, वो ही कॉल्स मी काजल, वो उनका कोई इनसाइड जोक है. उन्होंने मेरे साथ बहुत मस्ती की है एंड बट ही इज अ मेथड एक्टर. सो एवरी एज वी नो दैट ही हैज अ डबल रोल. सो जब भी वो जिम्मी के रोल में होते थे द विलन, तब वो बहुत मस्ती करते थे. और जब भी वो कराटे मनी के रोल में होते थे शांत, यूज्ड टू जस्ट गो एंड सिट इन द कॉर्नर, किसी को पता भी नहीं होता था दैट ही इज ऑन सेट. Okay. So, मेरे को बल्कि खौफ होता था कि आज जिमी का, मैं ऐसे स्केड्यूल पढ़ती थी, मैंने बोला जिमी का सीन है मेरे को तंग करेंगे आज फिर से. So, मैं ऐसे डरती थी कि भाई जिमी का सीन ना हो अभी. तो अभी next what is in the pipeline? I will be making few announcements soon, but good stuff, interesting stuff. I hope I entertain you guys with something new every time, and that is what I really want to do. But few announcements coming up. Hopefully, you enjoy that. ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर इट. सो बिफोर दैट टेल योर फैंस अबाउट द मर्द को दर्द नहीं होता है. ओके, सो आवर फिल्म इज कमिंग ऑन 21st ऑफ मार्च गाइस. समथिंग वी ट्राई टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी क्वर्की, वेरी न्यू. आप हमेशा बोलते रहते हो कुछ नया करो नया करो, तो हम कुछ बहुत नया लाए. डू वॉच इट. एंड होली है, केसरी भी आ रही है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो केसरी जाएगा, हमारा फर्स्ट डे सेकंड शो आएगा, वी आर ओके विद इट. सो एंड पानी तो पीते रहना चाहिए. ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्पॉट बॉय. थैंक यू सो मच. थैंक यू.